हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने किड्स की, जो 8 साल की बच्ची के लिए हमने धोती सलवार की कटिंग देखी थी, आज हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये दोनों साइड के जो पार्ट्स हैं इन्हें अलग करेंगे और इनके पहले हम रॉन्ग साइड से आसन को सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम दोनों साइड के आसन लेंगे, यहाँ से हम आसन को सिलाई लगाएंगे एक साइड से, बाद में हम दूसरे आसन को भी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने एक साइड से इसको आसन की सिलाई लगाई। अब ये जो हमारा इस तरह से एक साइड से इस तरह से ये फैब्रिक आएगा देखिए, और ये नीचे की ओर हमारा ये दूसरा आसन आएगा। तो इसे हम इस तरह से उठाएंगे ट्रायंगल में, ये कौन आएगा इस साइड से, ये देखिए इस तरह से ये कौन आएगा। तो इसे हम ये तिरछा रखेंगे इस तरह से, तो इस तरह से यहाँ पर लेंगे हम ये इस तरह से, और इसके हम दोनों साइड से चुन्नट डालेंगे। तो इसके लिए पहले हम जो हमारा नेफा पट्टी निकाली उसे दोनों साइड से हम पहले ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आएगा, और ये इस तरह से ये ट्रायंगल में आएगा, ये देखिए इस तरह से ये तिरछा आएगा, और ये साइड से हम चुन्नट डालेंगे, इस तरह से चुन्नट डालेंगे। ये जो हमारी नेफा पट्टी है, इसका हम, अगर आपका दो पार्ट्स हो, दो पीस हो, तो सेंटर से ज्वाइन कर लीजिए एक साइड से, और इसे हम सेंटर में कट लगाएंगे। तो दोनों साइड से हम पहले ज्वाइन कर लेंगे, और दोनों साइड को ये हमारा सेंटर रहेगा। आप चाहे तो एक साइड से इसे ज्वाइन कर लीजिए और एक साइड से ओपन रखिए। तो यहाँ पे हमने सेंटर पे इसे कट लगाया, और जो हमने ये इसे हम इस तरह से रखेंगे, ये सेंटर है, नीचे को रहेगा। यहाँ पे हम इलास्टिक के लिए या डोरी के लिए हम यहाँ पे नेफा डालेंगे। तो पहले हम यहाँ पे इसे अटैच करेंगे, तो जो हमने इसे सिलाई लगाई थी, ये देखिए इसे हमें सेंटर में इस तरह से, जो हमने एक आसन ज्वाइन किया था, यहाँ पे हमें इसे सेंटर से थोड़ी दूरी पे हमें सिलाई लगानी है। इसे अटैच करने के लिए हम 2 इंच पे हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे, सिर्फ यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, बाद में हम फ्रंट साइड से इसे प्लेटें डालेंगे। देखिए, हमने यहाँ से सेंटर से सिलाई लगाई बैक साइड से। अब ये जो नेफा पट्टी है इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे, साइड का भी यहाँ पे हम सेंटर निकालेंगे, इसका कट लगाएंगे थोड़ा। और ये जो हमारे नीचे की साइड है, तो इसका भी हम सेंटर निकालेंगे और उससे भी कट लगाएंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, ताकि हमें ये प्लेटें डालने में आसानी हो। तो इस साइड से भी हम उसी तरह सेंटर निकाल के इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे। अब हमने यहाँ पे सेंटर पे निशान लगा दिया है इस तरह से, तो इसका भी हम, ये एक कॉर्नर है, इसे यहाँ पे जो सेंटर निकाला था हमने, इसको फोल्ड करके जो सेंटर निकाला था, यहाँ पे इस तरह से पिन अप कर पिन लगा देंगे, ताकि हमें सिलने में आसानी हो इस तरह से। और जो दूसरा साइड का आसन है, उस आसन से हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, ये दूसरा वाला आसन यहाँ पे रखेंगे, और इसे अपनी तरफ प्लेटें लगाती जाएंगी इस तरह से, हम प्लेटें लगाते जाएंगे। आप चाहे तो पिनअप करके भी इसे पहले सेट कर सकते हैं, बाद में सिलाई लगा सकते हैं। जहाँ तक हमने सेंटर में पिन लगाई वहाँ तक ये जो प्लेट है अपनी ओर करेंगे।
अभी जो हमने ये प्लेटें डाली तो अपनी साइड डाली, अभी इस साइड की प्लेटें हम निडल की ओर डालेंगे। तो सुई को नीचे हम रखेंगे और ये जो फैब्रिक है हमें इसे घुमा के लेंगे, जो निडल सुई लग ये पिन लगाई थी उसे निकल लेंगे और इसे हम इस तरह से उठाएंगे और सेंटर में इसके सामने उसके अपोजिट साइड लगाएंगे, जो हमारी लास्ट में जो प्लेट थी उसके अपोजिट साइड से लगेंगे। तो हमने यहाँ से जो सिलाई लगाई थी उसे थोड़ा कम कर लेंगे। जितने हमारी नफा पट्टी उसी में हमें ये प्लेटों को एडजस्ट करना है, कम ज़्यादा करके छोटी या बड़ी प्लेट डाल के। ये देखिए इस तरह से हमारी ये प्लेट आई है। अब हम दूसरी साइड से भी इसी तरह लगाएंगे। आप चाहे तो इस तरह से पिनअप करके भी इसकी जो प्लेट है सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए जो हमारा ये ट्रायंगल में जो पीस था उसका कोना ये हमने सेंटर में लगाया, यहाँ पे इसके सेंटर में लगाया, जो हमने इस तरह से फोल्ड किया था वो सेंटर आया था, तो सेंटर में हमने वो जो कोना आया था वो लगाया। और इस साइड की प्लेटें इस साइड आई और इस साइड की प्लेटें इस साइड आई, ये जो दोनों प्लेटें आमने सामने आई। इस तरह से हमें ये प्लेटें यहाँ पे इस तरह से सिलना है। तो अब हम इसके ऊपर से सीधी सिलाई लगाएंगे। पिने निकल लेंगे। दोनों साइड के हमने प्लेटी सिलाई लगा दी। अब फिनिशिंग के लिए हम इसके ऊपर से जहाँ से सिलाई इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। ये जो मार्जिन हम ऊपर की ओर करेंगे और इनके ऊपर से एक एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब दोनों साइड से ये जो दूसरा साइड है हमारा आसन का, वहाँ से नेफा पट्टी से लेके नीचे आसन तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक आसन तक हम सिलाई लगाएंगे। बाद में हम इसकी नेफा पट्टी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब हमने यहाँ से आसन को सिलाई लगा दी। अब नेफा पट्टी के लिए हम यहाँ से इस तरह फोल्ड करेंगे और जितनी चौड़ी इलास्टिक है तो उतनी आप इसे फोल्ड करके लगा सकते। तो मैं यहाँ पे 1 इंच चौड़ी इलास्टिक डालूँगी
तो एक इंची से ये मेरी किनारी है, मैं किनारे ऐसे ही रखूँगी, ऐसे यहाँ से सिलाई लगाऊँगी। पूरे राउंड में हमें एक इंच तक सिलाई लगानी है। अब जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की वहाँ उसके सामने एक इंच का गैप रखना है ताकि हम यहाँ से इलास्टिक डाल सके। अब हम नीचे बॉटम की ओर पहले सिलाई लगाएंगे, इस तरह से फोल्ड करके नीचे जो हमने बॉटम पूरी सिलाई लगानी इस तरह से। दोनों साइड को हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। दोनों बॉटम को हमने सिलाई लगा दी। अब नीचे से हम धोती सलवार को जॉइंट कर लेंगे। तो ये आसन की तरफ से हम दोनों आसन को इस तरह से रखेंगे और नीचे बॉटम से इस तरह से तो दूसरे बॉटम तक फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से धोती सलवार तैयार है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।